हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल चंदौली वाले में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फार्मूला को डिराइव करना सीखा था और उसके बारे में सीखा था, उसके साइन के बारे में सीखा था। दोस्तों, इस बार इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये रिफ्लेक्शन अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। उसमें ग्लास स्लैब में एक स्लैब होता है, उसमें किस प्रकार से अपवर्तन होता है। ठीक है, जब हम मान लीजिए कि हम कभी, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कभी कि जब आप बाल्टी में एक बाल्टी ले लीजिए, उसमें जैसे ही कोई पेन या पेंसिल या रॉड या कुछ डालेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो टेढ़ा मेढ़ा हिल रहा है, वो हिल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हिल रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो आप सोचेंगे कि यार बाहर निकालने को एकदम सीधा हो जा रहा है और अंदर में डालने पर एकदम टेढ़ा हो जा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है यार। तो आप एक सोचेंगे ना, एक मतलब सोच उत्पन्न होती है, साइंस यही है। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक साइंस का मतलब समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो आप इसमें क्या देखते हैं कि वो जब डालते हैं उसमें तो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है, और वही जब देखेंगे एक स्लैब से होते हुए जब जाती है प्रकाश, प्रकाश को हम लेते हैं जब प्रकाश हम, तो प्रकाश का होती है एक विरल माध्यम होता है, एक सघन माध्यम, एक डेंसर होता है, एक रेयर माध्यम होता है। ठीक है, हम डेंसर मतलब एक स्लैब लेते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा एक कांच का बर्तन ये ऐसा स्लैब, ठीक है, इसका क्या नाम है, स्लैब। ठीक, इस ये स्लैब ले लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि जब प्रकाश, ये रेयर मीडियम है ना, रेयर, और ये क्या है, डेंसर मीडियम। ठीक है, ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब व्हेन व्हेन लाइट रेज, जब प्रकाश की किरण किसी भी इस स्लैब के, इस स्लैब पर जब प्रकाश की किरण इस स्लैब पर टेढ़ी अगर सीधी आएगी तो सीधी तो ऐसे निकल जाएगी, सीधी चली जाएगी, लेकिन सीधी परपेंडिकुलर हमको 90° नहीं लेना है, 90° इसको नहीं लेना है, लॉन्ग ये लॉन्ग नहीं लेना है, हमको थोड़ा सा इसको झुका लेना है। जब हम झुकाएंगे इसको, जब हम इसको झुका कर, जब ये थोड़ा सा झुक कर आएगी इस पर, तो ये क्या होगा, ये देखिए एक नॉर्मल हो गया, ये तो एक नॉर्मल हो गया। ठीक है, और ये सीधी जानी चाहिए ना, तो ये रेयर माध्यम है, ये डेंसर माध्यम, तो डेंसर माध्यम में क्या होगी, इसको तो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे निकलना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगी, थोड़ी सी झुक जाएगी आपको यहाँ पर, ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये आई हो जाएगा और ये क्या होगा, आर हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। जब प्रकाश की किरण, जब लाइट रेज किसी स्लैब पर, किसी स्लैब पर सीधा सीधा एक मतलब कि 90° पर ना होकर वो झुक कर आती है जब, तो उसमें क्या होता है कि जब डेंसर रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में आती है तो वो क्या होता है, वो अपने अपने रास्ते से डिस्टर्ब हो जाते, विचलित हो जाती है। तो जब विचलित होगी तो ये क्या करेगी कि ऐसे थोड़ा सा झुक कर आएगी। तो ये जो है, आप पढ़े हैं ना कि उस पर जब सीधी, ये सीधी रेखा है, जब प्रकाश इस पर आता है ऐसे जाता है, ये नॉर्मल है, तो आई होता है ये, आई आर होता है ये। तो स्नेल के नियमानुसार, स्नेल ने एक नियम दिया, ये आई इक्वल टू आर होता है, तो आई इक्वल टू ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि स्नेल के नियमानुसार, स्नेल लॉ, स्नेल ने ये बताया कि इसका जो साइन होता है, इसका जो ऊपर डेंस रेयर माध्यम में आई का जो साइन होता है, साइन आई, वो डेंसर माध्यम में साइन आर के इक्वल टू होता है, साइन आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपका दो नियम निकला यहाँ से। ठीक है, और अपवर्तन हो गया, अपवर्तनांक क्या होता है, यही जो झुक रहा है ना, यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसको कहते हैं। अगर दूसरा टॉपिक इसी में है, दूसरा टॉपिक कि दूसरा कि रिफ्लेक्टिव
रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यही होता है जब ये प्रकाश किरण किसी स्लैब पर टेढ़ी होकर वो उस पर गिरती है, तो वो क्या होती है, अपने माध्यम से कुछ विचलित हो जाती है। उस विचलन को ही अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे जल का अपवर्तनांक हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसको इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद हम बताते हैं किस प्रकार से ये होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ये होता है कि जब प्रकाश अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश विचलित होती है उसी को हम ये अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब उसमें जल का अपवर्तनांक, वाटर, एयर, जल का अपवर्तनांक 1.33 करीब होता है, एयर का अपवर्तनांक 1.0003 करीब होता है, और इस एक्वल अगर इंग्लिश में ये लिखने में मीनिंग कहीं भी गलती होगी तो माफ करिएगा, ठीक है, तो 1.33 करीब होता है, 3.4 करीब इसका होता है, ठीक है। एयर हो गया, और ये आइस, आइस का 1.31 करीब होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। और आपका लास्ट में ये आपका वाटर का ये हो गया, एयर का ये हो गया, आइस का ये हो गया, आइस का एल्कोहल का ये हो गया, और डायमंड का, उसके बाद डायमंड का एक डायमंड है, डायमंड का 2.34 करीब होता है, ठीक है, डायमंड का 2.34 के या 2.342 के करीब इसका डायमंड का, ठीक है। ये आपका पेपर में कभी कभी पूछ देता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखने के लिए बोल देगा तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं और हम आगे चलते हैं। अब लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेंस होता क्या है, जब हम दो लेंस होता क्या है उसमें पढ़ेंगे। जैसे हम लोग दर्पण को पढ़ा है जैसे, तो उसमें क्या होता है कि दो दो चीज़ों का मिक्स होता है, दो चीज़ उसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो दो दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं, आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं। मान लीजिए एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिए, पहला पोजीशन, और दूसरा पोजीशन ये हो गया, एक उत्तल हो गया, एक अवतल हो गया, यहीं से, ठीक है, ये अवतल हो गया, दोनों उत्तल, ये दोनों इसे उठे हुए हो गए, दोनों ऐसे हो गए, और एक ऐसे होगा और एक आकर ऐसे होगा, ठीक है, ये हो गया तीसरा, और चौथा हो गया एक ऐसे ऐसे, ये हो गया कनकेव लेंस हो गया, कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है, लेंस ऐसे होता है जो दो दर्पण से मिलकर बना होगा, उसके दो पृष्ठ होंगे, ठीक है, उसके दो पृष्ठ होंगे। और जब देखिए हम उत्तल लेंस के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला उत्तल लेंस के बारे में, ये अवतल हो गया, ये उत्तल लेंस, पहला कन्वेक्स, पहला क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कन्वेक्स लेंस में दो उत्तल लेंस होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे दो उत्तल दर्पण होंगे, वो दोनों आपस में जुड़े होंगे ऐसे। उसमें क्या है कि जब प्रकाश को इसे प्रकाश को इसमें भी लगभग इसमें छह प्रकार से, कन्वेक्स में लगभग छह प्रकार से उसको प्रकाश को गुजारा जाता है, इमेज बनती है, छह प्रकार की इमेज बनती है, ठीक है। तो इसमें लेंस को आप समझ लीजिए कि लेंस होता क्या है। लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग हम किसी चीज़ को, किसी दूर पर स्थित चीज़ को हम पास में देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वो बड़ी दिखाई देगी, ठीक है, इसका यूज करते हैं। और जैसे कि हम उत्तल लेंस हो गया, और एक चीज़ और है, उत्तल लेंस को जब हम लेकर एक उसकी फोकस दूरी जो होती है ऐसे होती है, फोकस दूरी, देखिए पहला पोजीशन,
किस प्रकार से वो बनता है उसका इमेज वो देख लेते हैं। पहला पोजीशन ये है कि एक उत्तर लेंस को लेते हैं, ठीक है, उत्तर लेंस को जब लेंगे तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा प्रकाश की किरण, जब वस्तु पहला पोजीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, when things situated on infinity, ठीक है, सॉरी, जब वस्तु इन्फिनिटी हो, ठीक है, जब वस्तु इन्फिनिटी होगी तो यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, देखिए किस प्रकार से जाती है, यहाँ पर इसका द्वारक M1 हो गया, यहाँ M2 हो गया, और यहाँ से जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो ऐसे होकर निकलेगी, ये सीधी जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगा, तीनों सब कुछ एक ही बिंदु पर मिलेगा, यहाँ ये क्या है फोकस पॉइंट, ठीक है, इसको फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है, पहला पोजीशन ही होगा। दूसरे पोजीशन में क्या होती है, देखिए इसमें क्या होगा कि जब कोई भी रेज हो, कोई भी किरण हो, तो एक फोकस से ऊपर जरूर जाएगी। देखिए अब दूसरे पोजीशन में क्या होगा कि ये उत्तर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, और दूसरे पोजीशन में जब वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र सी के बीच में स्थित हो, जो वस्तु इन्फिनिटी, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और यहाँ पर वस्तु जब स्थित हो, ए और बी यहाँ पर स्थित होगी, प्रकाश की दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, एक ऐसे प्रकाश की किरण निकलेगी, और यहाँ पर यह F2 होता है, F1 C1 होगा, और यहाँ पर C2 होगा, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 2F2 बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2F1, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण, दो प्रकाश की किरण निकलेंगी, पहली प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के पश्चात यफ से होकर निकल जाएगी ऐसे, ठीक है, यफ से होकर जाएगी, अब दूसरी प्रकाश जो निकलेगी तो यहाँ से केंद्र से होकर निकलेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से केंद्र से होते हुए यहाँ पर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि पहला तो फोकस पर भी बना था, जो धर्म वो मिरर से, जो लेंस से जो ये इमेज बना था तो वो बीच में बना था ना, यहाँ बना था, और तो अब क्या बनेगा कि यहाँ से इसके बीच में बनेगा, ये यहाँ बनेगा, ठीक है, तो ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर ए डैश और बी डैश हो गया। दूसरा पोजीशन ये देखिए, यहाँ सी एफ और सी के बीच बनेगा, और तीसरा पोजीशन क्या होता है, तीसरा पोजीशन जब ये उत्तर लेंस ले लेते हैं यहाँ, और ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती है ऐसे ऐसे ऐसे, ये बीच वाली है, ठीक है, ये बीच वाली है, ऐसे निकल जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर एफ होगा, ठीक, और यहाँ पर F2 होगा, यहाँ पर C2 होगा, ठीक। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी जब वस्तु सी पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, दो प्रकार की किरणें निकलती हैं, जो पहली प्रकार की किरण यहाँ से जाकर यहाँ से ऊपर जाएगी, और दूसरी प्रकार की किरण यहाँ से जाकर केंद्र से होते हुए ऐसे होकर ऐसे जाएगी, और ये यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ क्या बनेगा, सी पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ये वस्तु बनेगी, तो ए डैश हो जाएगा, यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, ये तीसरा हो गया। ये चौथा पोजीशन क्या होता है, इसमें भी हम ऐसे ही उत्तर लेंस को लेते हैं, ये ऐसे लेते हैं, उसके बाद ये मुख्य अक्ष हो गया, जब वस्तु सी और यहाँ पर यफ है, ठीक है, सी और यफ के बीच में स्थित हो, जब वस्तु यहाँ पर स्थित हो, व्हेन एनीथिंग सिचुएटेड या मतलब कीप ऑन सी एंड यफ, ठीक है, इसके बीच में स्थित हो, यहाँ से लेकर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पर F2 हो गया, यहाँ पर C2 हो गया, तो पहली किरण तो F2 से ही जाएगी, और दूसरी किरण C से होकर यहीं से जाएगी, तो ये क्या बनेगा,
ये आप देख पा रहे हैं कि चौथा में कि सी से बहुत बड़ा बन रहा है, चौथे पोजीशन में वस्तु सीधी तो उल्टी तो होगी, उल्टी होगी, यहाँ पर भी बहुत छोटा बनेगा आभास, ये जैसे कि ये जो वास्तविक है ये वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है, ये भी उल्टा बनेगा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ये भी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ये उससे भी बड़ा बनेगा, चार पोजीशन आपको समझ में आ गई। अब सी और एफ के बीच में रहेगा तब ये यहाँ पर मतलब कि बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा। और अब पांचवी पोजीशन देखते हैं, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा या फिर इसको पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब पांचवी पोजीशन आती है फिफ्थ पोजीशन की, एक उत्तर लेंस को लेते हैं यहाँ पर, एक सीधी रेखा जाएगी और इसमें क्या होगा कि जब सी और यफ, सी और यफ पे इसके बीच में था, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यहाँ पे जब फोकस पर स्थित होगी दो प्रकाश की किरण निकलेंगी और पहली प्रकाश की किरण यफ से होकर जाएगी, यफ वन हो गया यानी सी वन हो गया, यहाँ से होकर जाएगी यफ से होकर कटेगी और दूसरा क्या है यहाँ है तो यहाँ से यहाँ टकराएगी और सीधे निकल जाएगी। तो देख पा रहे हैं कितनी बड़ी वस्तु बनेगी पांचवें पोजीशन में, यहाँ पे जब यफ पर स्थित है तो वस्तु एकदम इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और यही इसका उल्टा देख लेते हैं कि जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो तो इसमें ये क्या होता है, ये वस्तु जो होती है, ये वस्तु यहाँ पे जो उसका इमेज बनेगा, वस्तु का इमेज फोकस पर बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका वस्तु का इमेज का बनेगा फोकस पर बनेगा, ठीक है, उल्टा इसका। यहाँ तक हो गया पांचवी पोजीशन। और छठवीं पोजीशन क्या है कि जब यहाँ से लेंस को लेते हैं, ठीक है, लेंस को लेते हैं यहाँ से, अब यहाँ पर सी, यहाँ पर मेन हो गया, पी हो गया, और यहाँ पर यफ टू हो गया, यहाँ पर सी टू हो गया, यहाँ पर यफ वन और यहाँ पर सी वन। और जब वस्तु यफ वन और पी के बीच स्थित हो तो उसमें क्या होता है, देखिए पहली वस्तु तो ऐसे ही फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, और दूसरी वस्तु क्या होगी कि ऐसे होकर जाएगी, जाएगी तो ऐसे ही होगा, लेकिन अब ये क्या होगी कि यहीं से वापस लौट जाएगी, यहीं से वापस, ये क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ये पीछे की ओर जाएगी, ये पीछे की ओर जाएगी, ये भी पीछे की ओर जाएगी, ये ऐसे, ये भी जाएगी ऐसे, तो ये कहीं मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, ये पीछे बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, ये इसके पीछे बनेगा पाँच छठवीं पोजिशन पर, ठीक है। ये उत्तर लेंस का आप लोगों ने छह पोजीशन देख लिया किस प्रकाश बनता है। आप लोग बस इतना याद रखिए कि इसमें जो प्रकाश की पहली प्रकाश की किरण होती है वो फोकस से होकर जाती है, ठीक है, और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, बस इतना याद रखिए। और बस इतना याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ बनता है, इससे और इसमें इससे ज़्यादा और कुछ पूछने वाला पेपर नहीं है, इससे ज़्यादा आईबो नहीं करेगा, कभी भी आए इससे इसी में से आएगा, बस यही आप समझे, बस इसी से आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अवतल लेंस में, ये कन्वेक्स मिरर हो गया और कनकेव मिरर में क्या होता है, ठीक है, कनकेव मिरर ये पहली पोजीशन दिख गया। कनकेव मिरर में क्या होता है कि इसका यूज, कनकेव मिरर का यूज हम देखते हैं कि ऐसी चीजों को कि बड़ी चीज़ दिखाई दे, अवतल लेंस का प्रयोग हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं कि हमारा दांत वांत देखना होता है, दांत का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, ये सब क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि जो वस्तु रहेगी जो अंदर है, जो भी है दांत के अंदर कीड़ा वड़ा जो भी आपके दांत में हो, कुछ खाया पिया मत करिए नहीं कीड़ा वड़ा पड़ जाएगी, तो डॉक्टर के पास जाना होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसी से देखेगा अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस से देखेगा तो वो चीज़ें बड़ी दिखाई देगी, कीड़ा रहेगा ऐसी ऐसे रेंगते हुए ऐसे ऐसे करेगा तो वो क्या करेगा तो उसमें देखेगा तो बोलेगा कि इसमें सुई हुई पहुँचना है, ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें आपका बनता है इमेज कि देखिए ये अवतल हो गया, ये अवतल हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, दो प्रकाश की जब वस्तु, जब वस्तु पेन थिंग्स सिचुएटेड और इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव जब स्थित होती है
तो इसमें से दो प्रकार की किरण चलती है, ठीक है, दो प्रकार की किरण चलेंगी, एक ऐसे चलेगी यहाँ तक आएगी और इसमें से ये प्रकाश की किरण आएगी, ये क्या होगा, ये टकरा कर ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये उल्टा चली जाएगी, इसको हटा देते हैं, पहला पोजिशन है ये, ठीक, यहाँ से ये प्रकाश की किरण निकल रही है, यहाँ से ये प्रकाश की किरण निकल रही है, यहाँ पे ये क्या होगा कि ये पीछे होते हुए यहाँ आएगा, यहाँ मुख्य अक्ष हो गया, ये भी पीछे बढ़ते 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 यहाँ आएगा, तो ये क्या करेगी कि पहले पोजिशन में यफ पर काटेगी, पहले पोजिशन किस पर काटेगी, यफ पर काटेगी, तो यफ पकड़ेगी, जब आप देख पा रहे हैं ना कि जब वस्तु इन्फिनिटी पर होती है तो वो क्या करता है कि बिंदु यफ पकड़ता है, ठीक है, और दूसरी पोजीशन ये बनती है कि जब वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में होती है, जो वक्रता केंद्र है, जो केंद्र मेन पॉइंट है, उसके बीच में जो वस्तु स्थित होती है, दूसरा पोजिशन ये बनता है कि जब यहाँ पर यह अवतल लेंस हो गया, ठीक है, अवतल लेंस हो गया, और जब वस्तु इन्फिनिटी जब दो प्रकाश की किरणें निकलती है तो एक इधर की ओर निकलेगी और दूसरी क्या होगी, एक इधर की ओर निकलेगी, एक यहाँ से, एक तो इधर की ओर निकल गई ऐसे, ठीक है, अब इसमें क्या होता था कि दोनों ऊपर से भी जा रही है और नीचे से भी जा रही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक यहाँ से जाएगी और एक मेन पॉइंट यहाँ से ऊपर जाएगी, तो यहाँ से टकरा कर फिर वापस इसी में लौट जाएगी, और ये क्या होगा, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, ये इस प्रकार से बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि जब इसमें वस्तु बनेगी, जब इसमें वस्तु बनेगी, जब टकरा कर वापस आ रही है ये वस्तु, ये टकरा कर जो वापस आ रही है तो यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ पर तो नहीं बनेगी, ये वाली यहाँ ऐसे जाएगी, ऐसे होते हुए ये तो यह बन रही है, ये जैसे इधर आएगी ये थोड़ा सी इधर जाएगी, तो ये यहाँ सी और यफ के बीच में वास्तविक उल्टा बनेगी, ठीक है, यहाँ भी इसको यहाँ काटेगी, एक सेकेंड रुकिए कि यहाँ देखिए, यहाँ दो प्रकार की किरणें निकलती है, एक ऐसे टकरा कर ऊपर जाती है, ये यहाँ से टकरा कर नीचे आती है, ठीक है, और दूसरे पोजीशन में क्या होता है कि उस वही प्रकाश की किरण एक यहाँ से टकरा कर ऊपर चली गई और एक यहाँ से टकरा कर ये नीचे की ओर आएगी, ठीक है, ये नीचे की ओर आएगी जब, तो ये जो वस्तु बनेगा, जो वस्तु बनेगा यहाँ पर नहीं बनेगा, ये यफ के बीच में बनेगा, जो पहली पोजीशन यफ पर बना था ये थोड़ा सा इधर आएगा तो ये भी थोड़ा सा उधर जाएगा, तो ये यफ बनेगा, ठीक है, बी डैश, समझ में आ गया आपका, इसमें दो पोजीशन बनेगा, ये दो पोजीशन, पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है, अब आपका आता है मैग्निफिकेशन, और इसका साइन इस प्रकार से होता है, ठीक है, व्हाट इज मैग्निफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, आवर्धन ये होता है कि हम इसको टू वी अपन, हम इसको पढ़े थे ना कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के प्रतिबिंब, वो वस्तु रियल इमेज का कितना गुना है, और अगर हम देखते हैं उसमें क्या था माइनस वी, तो यहाँ पर वी का होगा माइनस वन, ऑलवेज लेंस में हमेशा जो वी होता है प्रतिबिंब उसको माइनस में लेते हैं, माइनस में लेंगे यहाँ पर माइनस हो गया, अपान यू हो गया, ठीक है, तो वी अपान यू हो गया ये वाला, ठीक है, ये आवर्धन हो गया, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, क्षमता पावर, लेंस की आवर्धन क्षमता, जब हम जैसे कि हम जाते हैं चश्मा लगवाने, ये चश्मा जो लगवाते हैं तो उसमें क्या होता है, जब डॉक्टर होता है जो, तो डॉक्टर क्या करेगा कि उसमें आपको क्षमता के हिसाब से, वो आपको ये नहीं देखेगा कि मतलब क्या है, मतलब आपके आँख में कैसा चश्मा लगाना, वो क्षमता देखेगा कि आपकी क्षमता कितनी है, कितना देख पा रहा है, कितना और लगाएंगे तो और देख पाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें होता है पावर, पावर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, डायोप्टर से,
ठीक है, इसको डी से इंडिकेट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू 1/m। सबसे पहले वो क्या करता है, मशीन में लगाएगा आपका, वो फोकस दूरी देखेगा, फोकस दूरी लगभग मिनिमम 25 सेंटीमीटर है कि नहीं, 25 सेंटीमीटर है कि नहीं। अगर 25 सेंटीमीटर नहीं है तो उसके हिसाब से आपका चाहिए चश्मा इतने डायरेक्टर में लगेगा। जैसे कि डी लेते हैं तो 1/m इक्वल टू 1/25, इतने डायरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, 25 डायरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बन रहा है, ऐसे समझ में आएंगे फ्रेंड्स कि बस सिर्फ इतना ही आपका इसमें है। ठीक है, ये साइन का भी चिन्ह आपको समझा दें एक बार, और इसका फॉर्मूला एक बार बता दें। ठीक है, ये जब लेंस होता है कोई कोई भी लेंस हो, ठीक है, यहाँ पर उत्तल लेंस लेते हैं या फिर अवतल लेंस लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो ये प्लस का चिन्ह रहता है, जब नीचे आते हैं तो माइनस का चिन्ह रहता है, जब हम बाहर जाते हैं तो माइनस का चिन्ह रहता है, इधर जाते हैं तो प्लस का चिन्ह रहता है। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा में क्या होगा, इसमें भी सेम वही होता है, जब इधर जाते हैं तो प्लस का, नीचे जाते हैं तो माइनस का, और इधर जाते हैं तो माइनस का, इधर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो प्लस का, इधर जाते हैं तो माइनस का। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सेम वही है, दर्पण का ही है, कोई और अलग से नहीं है। वो दर्पण समझ लिए तो आप लोग ये समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फार्मूला। फार्मूला क्या होता है इसका, इस जैसे कि उसमें आप लोग देखे थे कि मिरर में, मिरर में आपका फार्मूला 1/d प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था, लेकिन लेंस में, लेंस में, लेंस का आपका फॉर्मूला है 1/t माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आप इससे प्रूव करेंगे, आप वहीं पर देख लिए थे कि आवर्तन मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस टी अपन यू होता था उसमें, लेकिन इसमें ये हो गया मिरर का, और ये इसमें होगा यम बराबर अपन यू। ये माइनस जो है वो प्लस में इंडिकेट हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस में। इतना आपको समझ में आ गया दोस्त, तो आपका पहला चैप्टर जो है ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन आपका यहीं पर ख़त्म हुआ। तो आप लोग बस दोस्त इसका न्यूमेरिकल करिएगा, और न्यूमेरिकल जो नहीं आएगा मैं आपको पीपीटी में दे दूंगा। अब ये पीपीटी डेली डीपीपी डेली प्रैक्टिस है पेपर, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मैं दूंगा, और इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक भी दे दूंगा कि वहीं पर जाकर आप लोग आराम से डीपीपी को आप देखिए और अपना सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, चलते हैं।